कैरो है क्या? ये बातचीत करने के लिए एक नई भाषा सीखने जैसा है, लेकिन टैरो रीडर्स कहते हैं कि ये कभी टाइम पास के हेतु नहीं होना चाहिए। टैरो रीडर्स का मानना है कि जब टैरो को सही तरीके से यूज किया जाए तो हमारा स्पिरिचुअल लेवल पर डिवाइन से हाइपर सोल का कनेक्शन करवा देते हैं। एक हिसाब से हायर एनर्जी से हम कनेक्ट हो जाते हैं। जब आप टैरो को यूज करते हैं तो खुद को समझने और जानने का बहुत अच्छा टूल बन जाता है। जीवन की मुश्किल वाली कंडीशन में ज्यादा हेल्प करते हैं। टैरो जब हमारी एनर्जी से कनेक्ट होते हैं तो हम सेल्फ डिस्कवरी यानी कि आत्मखोज भी कर सकते हैं। हम अपने वर्तमान और वर्तमान की ऊर्जा को काफी साफ तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जो हमारी इंटरनल या एक्सटर्नल जरूरतें होती है उनको टैरो यूज करके आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ये तो जाहिर है, जब आप खुद को बहुत अच्छी तरीके से जान लेते हैं तो खुद से मजबूत तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं, तो अपनी लाइफ, रिलेशनशिप, करियर और अपनी जिंदगी में आने वाली अपॉर्चुनिटीज को मीनिंगफुल बना सकते हैं। टैरो शब्द टैरोटी से आया है और इसका मतलब होता है कार्ड्स के पीछे दिखने वाली क्रॉस लाइन। टैरोटी शब्द का कनेक्शन माइनर आर्काना से था। इन कार्ड्स में अलग अलग सिंबल बने होते हैं और हर किसी का कुछ न कुछ मतलब होता है। कहां से आई है टैरो का रीडिंग? टैरो का रीडिंग 14वीं सदी में इटली से आई है। पहले टैरो कार्ड ताश के पत्तों की तरह खेलने के लिए होता था। अमीर लोग इसे एक मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया करते थे। धीरे धीरे इसको लेकर लोगों का शौक बढ़ने लगा, इसीलिए उसके रूप और मायने भी बदलने लगे। 17वीं सदी आते आते लोग इन कार्ड्स को देवीय शक्ति से जोड़कर देखने लगे, लेकिन कार्ड्स के अंदर छपी तस्वीरें वैसी की वैसी ही है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि टैरो भारत की ही देन है। ऐसा माना जाता है कि भारत की बंजारा जनजाति जिप्सी, जिन्हें रोमा भी कहा जाता है, वो टैरो कार्ड्स को लेकर यूरोप गई थी। इन्हीं कार्ड की मदद से उन्होंने भविष्यवाणी शुरू की थी। फ्रांस के एक राइटर एलिफाज लेवी ने भी अपनी किताब द टैरो ऑफ द बोहेमियंस में भी जिप्सी समुदाय का जिक्र किया है और उनका मानना था कि यह समुदाय मिस्र से आया था और उन्होंने ही इस कार्ड गेम की शुरुआत की थी। इस कार्ड पर छिपे चिन्ह या प्रतीक हिब्रू भाषा की लिपि से काफी मिलते जुलते हैं, जो यहूदी परंपरा से जुड़े हैं। कैसे होते हैं टैरो कार्ड्स? टैरो कार्ड्स के एक बंडल को डेक कहते हैं, जिसमें 77 कार्ड्स होते हैं और एक कार्ड जीरो कहलाता है। इस कार्ड को फूल भी कहते हैं और इन सभी कार्ड्स को मिला के टोटल 78 कार्ड्स होते हैं। फूल से इंसान का सफर शुरू होता है और अंत कार्ड डेथ कहलाता है। जन्म के समय हम सभी नासमझ होते हैं, इसीलिए इस कार्ड को फूल कहा जाता है। फिर धीरे धीरे जिंदगी बदलती है, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है लाइफ बदलती है, ऐसे कार्ड की सिचुएशन भी बदलती रहती है। टैरो को मेजर आर्काना और माइनर आर्काना में बांटा गया है। आर्काना शब्द का जन्म लेटिन भाषा के शब्द आर्कान से हुआ है और उसका मतलब है रहस्यमय व्यक्तिगत विकास। मेजर आर्काना में 22 कार्ड्स होते हैं, जबकि माइनर आर्काना में 56 कार्ड्स होते हैं। इसके साथ ही माइनर आर्काना के कार्ड्स को 4 पार्ट्स में बांटा गया है और इसके हर एक सेट में 14 कार्ड्स होते हैं। मेजर आर्काना कार्ड्स लाइफ लेसन्स को दर्शाते हैं, जबकि माइनर आर्काना कार्ड्स रोज बरोज की घटनाओं को प्रतिबंधित करता है। एस ऑफ वांड्स, ये कार्ड जिंदगी में एक्शन को बताते हैं, सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाते हैं। एस ऑफ कप्स, ये कार्ड इमोशन और रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स,
ये सेट में जीवन की चुनौतियों के बारे में बताया जाता है और इसके साथ ही हर तरह की परिस्थिति में मजबूत कैसे रहना है इसकी सलाह दी जाती है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये प्रोफेशन, पैसा और मैरिड लाइफ के बारे में जानकारी देते हैं। आखिर कैसे होती है टैरो रीडिंग? टैरो रीडिंग में दोनों ही प्रकार के कार्ड्स को रीडिंग में उपयोग में लाया जाता है। इन टैरो कार्ड्स के ऊपर कई तरीके के रंग होते हैं, नंबर्स होते हैं और साइंस होते हैं, और इसके अलावा जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, आकाश जैसे एलिमेंट्स बने होते हैं। इन कार्ड्स में से रीडर अपने क्लाइंट को कोई भी कार्ड उठाने को कहता है। इन कार्ड्स के पीछे कई बातें अलग अलग चिन्हों और सिंबॉलिक और गुप्त रूप से दर्ज की होती है। इन सिंबल चिन्हों को देखकर ही टैरो कार्ड रीडर व्यक्ति के भविष्य में आने वाली घटनाओं का अनुमान लगाते हैं और लोगों के सवालों के जवाब टैरो कार्ड पर बने चिन्ह खुद ब खुद बता देते हैं। इन कार्ड्स को देखकर टैरो रीडर समझता है कि फिलहाल क्लाइंट के साथ चल क्या रहा है और फ्यूचर को किस तरीके से ले जा सकता है। आपको बता दे, टैरो रीडिंग टेलीफोन पर भी हो जाती है। इस टेलीफोन रीडिंग के दौरान क्लाइंट रीडर को अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ बताता है और उस आधार पर कार्ड्स चुने जाते हैं। तो दोस्तों, टैरो कार्ड्स के लिए अक्सर लोग मानते हैं कि जिस तरह ज्योतिषी में पूजा पाठ होती है, वैसे ही टैरो कार्ड रीडिंग में पूजा पाठ होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। टैरो रीडर्स को रोज मेडिटेशन करना पड़ता है। मेडिटेशन से ही उनके कार्ड्स ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट करते हैं ताकि टैरो रीडर्स को उसके मुताबिक जवाब मिलते हैं, जिससे कि एनर्जी और लोगों की ऑरा के हिसाब से उसका भविष्य का पता लगाया जाता है। इन कार्ड्स पर तस्वीरें क्यों छपी होती है? उसके बारे में कहा जाता है कि ब्रिटेन में एक जादूगर थे, ए.ई. वेट। कुछ लोग इन्हें तांत्रिक भी कहते थे। वेट एक छापखाने के मालिक मिलकर एक कंपनी चलाते थे। कहा जाता है कि दोनों को हवा में कुछ तस्वीरें दिखती थी और इसीलिए राइटर ने 1909 में टैरो कार्ड्स की छपाई की थी। उन्होंने इन कार्ड्स को आगे प्रिंट नहीं किया क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में उनकी प्रिंटिंग प्लेट बर्बाद हो गई थी, लेकिन दोनों को जो तस्वीरें दिखती थी, उन्होंने इन तस्वीरों के मतलब निकाले। उन्हें इन तस्वीरों में कभी घर, कप, पानी जैसी चीजें नजर आती थी। उनका मानना था कि हर चित्र के पीछे संदेश छिपा होता है। इस तरह आज के टैरो कार्ड और उनकी रीडिंग का जन्म हुआ। कैसे काम करती है टैरो रीडिंग? दोस्तों, विज्ञान हो या आध्यात्मिक, सभी ब्रह्मांड की शुरुआत एनर्जी से ही मानते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग में टैरो कार्ड का तालमेल एनर्जी से माना जाता है। हर इंसान में अलग एनर्जी होती है जिसे ऑरा कहा जाता है। यही ऑरा कार्ड्स रीडिंग में काम आता है और सवाल करने वाले और पूछने वाले के लिए जरूरी होता है। आपको बता दे कि टैरो कार्ड रीडिंग में इंसान की एनर्जी और उसके सबकॉन्शियस माइंड का बड़ा रोल होता है। कार्ड रीडिंग इन्हीं चीजों से जुड़ी होती है। टैरो कार्ड रीडिंग इंट्यूशन पर निर्भर होती है। इंट्यूशन हमारी छठी इंद्री है जिसे मनोभाव कहते हैं। इंद्रियां पांच प्रकार की होती है, लेकिन जब हमारा दिलो दिमाग मिलकर किसी ऐसी बात को सोचता है जो अभी नहीं हुई है, लेकिन हो सकती है, उनसे ही हमारी इंट्यूशन यानी सिक्स सेंस कहा जाता है। इसीलिए माना जाता है कि हमें उलझनों और मुश्किल वाले सवालों के जवाब पता होते हैं या फिर जवाब हमारे पास ही होते हैं। ये जवाब हमेशा से ही हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं, लेकिन कॉन्शियस माइंड इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। टैरो कार्ड रीडिंग में परेशान इंसान में इंसान की सबकॉन्शियस माइंड को एनर्जी से जोड़कर कार्ड रीडिंग की जाती है। ये कार्ड उस इंसान की एनर्जी को एक्टिव करते हैं ताकि इसके द्वारा चुना गया कार्ड उसकी जिंदगी से जुड़े और व्यक्ति को उसके सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाए।
अक्सर ये बातें देखी जाती है कि टैरो का रीडर महिला ही होती है, और एक रिपोर्ट के मुताबिक आज भी लगभग 70% टैरो का रीडर औरतें ही होती है। ऐसा क्यों? एक्सपर्ट के मुताबिक महिलाओं का इंट्यूशन यानी मनोभाव पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मजबूत माना जाता है। टैरो का रीडिंग में इसी इंट्यूशन का सबसे अहम रोल होता है। ऐसे में कार्ड रीडिंग में महिलाओं की गणना ज्यादा सटीक होने की वजह से उन्हें ज्यादा सफलता मिलती है। इसके अलावा महिलाएं इमोशनल और सेंसिटिव भी होती है, इसीलिए ये सारी अपने क्लाइंट्स के साथ कनेक्ट कर पाती है। टैरो एक्सपर्ट मानते हैं कि टैरो रीडिंग के एक प्रोसेस में एक तरीके का ट्रायंगल बनता है, जिसमें तालमेल यानी कि सिंक्रोनिसिटी, सेंसिटिविटी और स्पिरिचुअलिटी शामिल है, और औरतों में यह तीनों गुण होते हैं। इंडिया में टैरो का रीडिंग और ज्योतिषी को बहुत माना जाता है, लेकिन एक वक्त तक टैरो का रीडिंग को उतना नहीं माना जाता था। टैरो रीडर्स मानते हैं कि भारत में टैरो का रीडर का चलन 2000 के बाद शुरू हुआ, खासकर तब जब 2003 में क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा था। साउथ अफ्रीका में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जा रहा था। हर कोई भारत की जीत की दुआ कर रहा था। टीवी चैनल्स पर टैरो का रीडर्स भी भारत की जीत की भविष्यवाणी कर रहे थे। इसके बाद लोगों को टैरो का रीडिंग में इंटरेस्ट आने लगा। उसके बाद जब लॉकडाउन लगा, उसी वक्त टैरो का रीडर्स सोशल मीडिया के जरिए लाइव हुए और फ्री में लोगों के लाइव में जवाब देने लगे। इससे लोग तेजी से उनसे जुड़ने लगे। टैरो क्या नहीं करते? टैरो रीडर्स बताते हैं कि टैरो कभी आपको आपका भविष्य नहीं बता सकता। टैरो आपको आपका अंतर्ज्ञान या आपकी इंट्यूशन या आपकी एनर्जी को आपके सामने लाकर रख देता है। आपकी एनर्जी टैरो के माध्यम बनाकर आपके मन में छुपे हुए जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, उनको प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से आपके सामने लाकर रखते हैं। आपकी इंट्यूशन आपको जो गाइडेंस देना चाहती है, जो आपको बताना चाहती है, वह आपके सामने आ जाता है। दूसरे शब्द में, आपको आपके सच से और आपके जीवन के उद्देश्य से आपका मिलजुल करवाने में टैरो आपकी बहुत मदद करता है। तो दोस्तों, ये थी टैरो को लेकर कुछ जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।